दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, पहले सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों कि आप अपना सपोर्ट और अपना प्यार मतलब इस चैनल पे दिखा रहे हैं, जो मुझे बहुत एक मोटिवेशन की तरफ मुझे फील हो रहा है। और मैं ऐसे ही आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा दोस्तों। आपके डेमो टीचिंग के लिए आपके कॉन्सेप्ट इतने तगड़े हो जाएंगे अगर पूरी एनसीईआरटी आप कवर कर लेते हैं, एक से दो बार इस वीडियो को देख लेते हैं, तो इतना अच्छा आपके पास कॉन्सेप्ट और इतने अच्छे कंटेंट होंगे आपके पास, एकदम रियल लाइफ से जुड़े हुए कंटेंट होंगे आपके पास, कि मतलब थोड़ा सा यूनिक तो बनाएगा आपको, ठीक है। और बेसिकली आपको ये बेहतर पता होगा कि जो भी ये बुक है एनसीईआरटी की, वो बहुत एक्सपर्ट्स के द्वारा, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा बनाई गई है, जो कि बच्चों के अकॉर्डिंग बनाई गई है, ठीक है। तो एनसीईआरटी इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी करेगा, ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट्स को, इनके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को। तो मेरा मानना है कि आप एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करें, ठीक है। और जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे ऑलरेडी, मैंने कई चैप्टर्स यूनिट मैथ्स के, हिंदी के, रिमझिम क्लास फिफ्थ के हिंदी कंप्लीट करा दिया। जिन्होंने नहीं देखा उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए इस चैनल पे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपना लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आज पढ़ेंगे कक्षा दो में हमको जोड़ कैसे पढ़ाना, ठीक है। कक्षा वन में हम लोगों ने देख लिया कि जोड़ कैसे पढ़ाएंगे, कक्षा दो में देखेंगे आज को जोड़ कैसे पढ़ाएंगे। तो इस टॉपिक का नाम है अंक जोड़ो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेंद उछालो। जानवर जंगल में खेल रहे हैं, बारी बारी से वे बल्ले पर गेंद उछालते हैं, जब तक कि गेंद गिर न जाए। हर खिलाड़ी को दो बार मौका मिलता है। बुन्नू खरगोश उनके अंक जोड़ता जाता है। देखिए कितना प्यारा सिद्ध का मैच खेल रहे हैं और खरगोश जो है वो अंक जोड़ रहा है। ऐसे एग्जाम्पल दीजिए, क्या तुम जानते हो कि वह कैसे जोड़ता है। देखिए जोड़ का कॉन्सेप्ट बनाना है, क्या तुम जानते हो वो कैसे जोड़ रहा है। अरे खरगोश कैसे जोड़ेगा, बच्चों जिज्ञासु, अरे खरगोश जोड़ रहा है, वाह। तुमने गेंद बिना गिराए 14 बार उछाली है, अभी मेरी एक और बची है, इस बार गेंद सिर्फ 7 बार उछाली है, ठीक है। बुन्नू सांप के खानों के अंक को जोड़ता है, और 14 और 7 को जोड़ने के लिए बुन्नू 14 पर खड़ा होता है, ठीक है। बुन्नू जो है सांप के खाने के अंक को जोड़ता है, 14 और 7 अंक को जोड़ने के लिए बुन्नू 14 पर खड़ा होता है, ठीक है। और वह 7 कदम आगे की ओर, देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल, वो सांप वाला बना दीजिए ना, जो खेलते हम लोग सीढ़ी पे चढ़ने वाला, ठीक है, उसको बना दीजिए। हमको जोड़ना है, ठीक है, अंक को जोड़ना सिखाना है। जैसे 14 और 7 को जोड़ना है तो हम किसी को खड़े कर देंगे, बच्चे को, किसी को ऐसे डायग्राम बना देंगे और उसे खड़े कर देंगे, तो बच्चा 7 सीढ़ी चढ़ जाएगा। सीढ़ी बना दीजिए, बच्चा 7 सीढ़ी चढ़ेगा, गिन लेगा तुरंत, 21 पर पहुंच जाता है। तुम भी इस तरह सांप को खाने में जोड़ सकते हो। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, ये सब एग्जाम्पल आपको रियल लाइफ में कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है। आप देखिए, बेशक देखिए, कई यूट्यूब चैनल्स देखिए, जिसको आपको पसंद आता है उसको देखिए ना, किसी को रोकूंगा नहीं, बट दिमाग में ये डालिए कि हमको एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि माइंड मेकअप यहाँ से बहुत तगड़ा होने वाला है, जो कि डेमो टीचिंग में ड्रास्टिक चेंज ला देगा आपके लिए, ठीक है। देखिए कितना जोड़ो क्लियर हो गया ना। बूझो तो बताएं, प्रभा अपने पड़ोस के गाँव में नानी के यहाँ जा रही है। वह अपने साथ 15 किलोग्राम गन्ना, 7 किलोग्राम सेब, 8 किलोग्राम टमाटर, ऐसे बच्चों को बता सकते हैं कि मान लीजिए हम नानी के घर जा रहे हैं, 2 शर्ट लेके जा रहे हैं, 1 पैंट लेके जा रहे हैं, तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है, बच्चों के सामने रियल लाइफ। इस बार कंगालू, गोरिल्ला, हिरण, जिराफ और शेर खेलने आए, लेकिन शेर हार गया। उसने गुस्से में कुछ अंक मिटा दिए। मिटे हुए अंकों को देखिए कितना अच्छा। हाँ, ऐसे बच्चों को देना है एग्जाम्पल। सिक्के के एग्जाम्पल दे सकते हैं चित तौर पर। एक बार में दो, चिंटू और मिंटू खरीदारी कर रहे थे, वे कुछ सामान खरीद कर लाए। सामान की कीमत चुकाने के लिए उन्होंने सिक्कों और नोटों का इस्तेमाल किया, पर एक बार में सिर्फ दो का ही, ठीक है। नीचे दिखाई गई चीजों खरीदने के लिए इनमें से, ये सब पढ़ाने के बाद बाद में फटाफट जोड़। तो चलिए एक देखते हैं, फनी सा कॉन्सेप्ट है फटाफट जोड़, देखते हैं। जो चीजें जरूरी है हम वही कवर करेंगे। वेलू तुम क्या कर रहे हो। अरे अक्का इसे जोड़ने में मेरी मदद करो। अरे इन्हें तो तुम बिना लिखे जोड़ सकते हो। 7 से शुरू करो और उसमें 5 जोड़ो, 12 आ जाएंगे। उसमें 3 और जोड़ो, ये 15 बन गए। मैं पहले 7 और 3 को भी जोड़ सकता हूँ, दोनों का जोड़ 10 होगा, फिर उसमें 5 जोड़ूंगा। देखिए तो मतलब उल्टा उल्टा फुल्टा करके, इधर उधर अंक करके हम बच्चों को जोड़ना बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे इधर उधर अंकों के, देखिए बच्चे फंसते कहाँ है, छोटे बच्चों को जानिए फंसते कहाँ है। उनको 7 प्लस 5 बोल देंगे 12 होगा, वो समझ जाएंगे, ठीक है। 7 प्लस 3 प्लस 2 कैसे होगा, बच्चे नहीं समझ पाएंगे।
5 + 7 12 होगा, बच्चे ये नहीं समझ, यही उलटना पलटना उनको हमको सिखाना है, ठीक है, ना कि गिनती सिखाना है, बच्चों की समझ को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये पेटू छिपकली के नाम से कोई कविता है, तो ये सब चीजें बात की हैं, खेलों खेल में सिखाने की बात है। तो हमको लगता है कि आप अंगों के जोड़ के बारे में सीख गए होंगे दोस्तों, कि क्लास 2 में अंगों के जोड़ को कैसे पढ़ाएं, अंग जोड़ो जिसका टॉपिक का ही नाम है। आई होप सो कि यह कॉन्सेप्ट बनाने में आपका मदद करेगा, बहुत ही मदद करेगा और जरूर मदद करेगा। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए इस चैनल पे, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए दोस्तों, अपना फीडबैक देंगे तो मैं आपके लिए और बेहतर करूंगा दोस्तों। तो ऐसे ही प्यार अपना बनाए रहिए, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ दोस्तों, और इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।